उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में टीवी न्यूज़ चैनल की टीम ने किया था पर्दाफाश और इस पर्दाफाश पे हुई है कार्रवाई। आपको बता दें कि डीएसओ कार्यालय में खुलेआम शराब पीने की वीडियो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँच चुकी थी, उसके बाद इस पर संज्ञान में लिया गया और इस पर कार्रवाई की गई। और आपको बता दें कि डीएसओ साहब इस समय निलंबित हो गए हैं। डीएसओ कार्यालय में शराब पीने का मामला था और जांच के बाद डीएसओ राजेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि टीवी न्यूज़ चैनल ने 25 दिसंबर 2018 को यह खबर चलाई थी और इस खबर को चलाने के बाद डीएसओ साहब हो गए हैं निलंबित। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद का यह मामला है। आपको बता दें कि सरकारी कार्यालय के अंदर शराब पीने का यह वीडियो उत्तर प्रदेश में काफ़ी चर्चित रहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया और जांच के बाद डीएसओ राजेश कुमार को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि टीवी न्यूज़ चैनल इंडिया की खबर का हुआ असर, खबर के असर होने के बाद डीएसओ साहब को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी कर्मचारियों को भी चेतावनी दी गई है कि सरकारी कार्यालय के अंदर इस तरीके का मद्यपान करना गलत है और गैरकानूनी भी है, इसको इस तरीके का नहीं करना चाहिए। आइए एक बार पुनः वो पुरानी खबर आपको दिखाते हैं, 25 दिसंबर 2018 की खबर जिसके बाद डीएसओ साहब पे कार्रवाई हुई। आपको बता दें टीवी न्यूज़ चैनल की टीम ने कार्रवाई की थी और उसके बाद डीएसओ साहब निलंबित हो गए थे। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में किया गया एक बड़ा पर्दाफाश, आप देख सकते हैं डीएसओ कार्यालय में बैठकर शराब पीते वीडियो। डीएसओ राजेश कुमार ने अपने सहकर्मी पूर्ति निरीक्षक के साथ बैठकर पी शराब। आप देख रहे हैं किस तरीके से शराब पार्टी बनाई जा रही है और डीएसओ साहब अपनी मर्यादा लांघकर कार्यालय में ही कर रहे हैं शराब पार्टी। आप देख सकते हैं सरकारी डीएसओ साहब जो सरकारी कर्मचारी हैं अपनी सारी मर्यादा लांघकर कार्यालय के अंदर ही कर रहे हैं शराब पार्टी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को दी डीएसओ ने खुली चुनौती। आप देख सकते हैं डीएसओ को किसी चीज़ का डर नहीं है, अपनी कार्यालय के अंदर बैठकर, डीएसओ कार्यालय फतेहगढ़ का मामला है, अपनी कार्यालय के अंदर बैठकर पी रहे हैं शराब, देख सकते हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी मोनिका रानी को पूरी जानकारी दी गई और उनको ये वीडियो भी दिखाया गया। तो आइए देखते हैं जिलाधिकारी ने किस तरीके की प्रशासनिक कार्रवाई की दी जानकारी। डीएसओ का और उनके पूर्णेच्छों का जो है शराब पीते वीडियो वायरल हुआ कार्यालय में, तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? आज ये आपके माध्यम से ही ये वीडियो मेरे को दिखाया गया, तो इसकी पहले जांच करवाई जाएगी। अगर जांच में सत्यता पाई जाती है कि इस तरह का कोई प्रकरण था, तो फिर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और शासन में उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु भी लिखा जाएगा। एक मैम जो है कि नौगमा गांव है। फरुखाबाद से हरि प्रताप सिंह चौहान की रिपोर्ट, टीम टीवी न्यूज़ चैनल फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश।